गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वाली बुक में पेज नंबर 36। व्हाट्स द टॉपिक? हिज ऑब्लिक हिम, है ना। हमको हिज और हिम का यूज करना है ब्लैंक स्पेस पे। तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? हिज कहाँ यूज होता है? जब कोई सेंटेंस में किसी की ओनरशिप आती है कि ये उसकी है या उसकी चीज है या उसका है, है ना। जब ओनरशिप आती है तो हम वहां क्या यूज करते हैं? हिज, है ना। और अगर हम किसी को कोई चीज उसके लिए हम यूज करते हैं, वहां पर हम लोग हिम यूज करते हैं। जैसे आई गेव हिम ए पेंसिल, मैंने उसको पेंसिल दी, बट पेंसिल उसकी नहीं थी। अगर उसकी पेंसिल होती तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हिज। बट मैंने उसको दी तो आई गेव हिम ए पेंसिल। मम्मी टुक हिम टू द मार्केट, है ना। यहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं है। अतुल प्लेज विद हिज ग्रैंडफादर, यहां पर जो ग्रैंडफादर किसके हैं? अतुल के हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा? हिज। दिस इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज राम, मेरा फ्रेंड है उसका नाम क्या है? राम। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हिज। गिव हिम ए बिस्किट, उसको एक बिस्किट दो। यहां हम लोग उसको, उसके क्या यूज करेंगे? हिम। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। दिस इज हिज टॉय, ये उसका है, ओनरशिप है इसके अंदर टॉय की। He gave me his cape, उसने उसकी केप दी, है ना। तो यहाँ ओनरशिप है केप की उसके लिए। I gave him a new shirt, मैंने उसको शर्ट दिया, तो उसकी ओनरशिप नहीं है। शर्ट किसकी थी? आपकी, इसलिए हम लोग हिम यूज करेंगे। This is his bed, give it to him, ये उसका बेट है, ये उसे दे दो। Rahul gave him a card for his birthday, है ना। इस तरह से आपको his और him का यूज करना है। ओके okay?